का धन्यवाद अदा कर रहा हूँ और एक बार सभी महानुभावों के लिए तालियां। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर इस मंच पर एक ऐसा कारनामा होने जा रहा है जो विज्ञान के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने और इतिहास के पन्नों पर और अक्षरों से लिखे जाने के लिए तैयार है। मुझे विश्वास है कि आज आपके कुछ इस मंच पर होते देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकेंगे। आज हमारे ही कस्बे का एक छात्र जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय बारी के 12वीं गणित वर्ग का छात्र है राम कुमार कुशवा, इस मंच पर अपने द्वारा बनाए गए एक सिस्टम का प्रस्तुतिकरण करेंगे जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉकर एंड इनफॉर्मर सिस्टम है। यह सिस्टम वर्तमान की बढ़ती आतंकी घटनाओं एवं चोरी के मामलों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है, क्योंकि आज ये चीजें हमारे देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को खोखला बना रही है। इनके द्वारा एक विशेष प्रकार का डोर लॉकर तैयार किया गया है जिसकी सारी गतिविधियां अपने स्वयं के मोबाइल से उन्होंने जोड़ रखी है। ये लॉकर यदि हमारे घर बैंक या ऑफिस में लगाया जाए और हमारी अनुपस्थिति में यदि कोई इनके स्थानों पर प्रवेश करे तो इस सिस्टम द्वारा हमारे पास स्वतः ही मोबाइल में एक कॉल आती है जो कि मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको प्रैक्टिकल होते देखेंगे। तो छात्र राम कुमार कुशवा आदरणीय पधारे हुए गुरु जी व मेरे साथी भैया बहनों, मैं आपके सामने आतंकवाद से लड़ने व आतंकवाद को नष्ट करने से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। चूंकि मैं पहली बार इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ इस चीज पर, तो मुझसे कोई गलती हो तो इसे क्षमा करना। वर्तमान में संसार में बढ़ती हुई अपराध प्रति के कारण अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे ही हम अपनी बैंक फैक्ट्री घरों मॉलों आज से बाहर जाते हैं तो हमें तथा अपने प्रशासन को यह डर लगा रहता है कि हमारे घर बैंक फैक्ट्री आदमी भी व्यक्ति उसके चोरी में कर जाए या अन्य कोई अपराध कर जाए। इनसे बचने के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉकर यानी इन्फॉर्मर स्टेशन का निर्माण किया है। यदि आप घर बैंक फैक्ट्री आज से बाहर है अर्थात ऑल वर्ल्ड के अंदर आप कहीं भी हो तो और यदि व्यक्ति आपके घर में घुसता है तो यह सिस्टम हमें वहीं पर अर्थात हम जहाँ पर हैं वहीं पर हमें सूचित करेगा हमारे घर आज में कोई व्यक्ति अंदर प्रवेश कर गया है, यह हमें सूचना देगा। इसके साथ ही भर्ती के बारे में साथ में देगा जिससे आसपास के लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें कोई व्यक्ति घुस गया है और इसके साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट होगी जिससे हम घर आज में घुसने वाले व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। इस सिस्टम में एक आश्चर्य की बात यह है कि उस चोर या आतंकवादी व्यक्ति को हम दूर से ही कितनी भी दूर हो हम घर में बंद कर सकते हैं या बैंक में बंद कर सकते हैं या फैक्ट्री बंद कर सकते हैं। इसके लिए एक विशेष दरवाजे का उपयोग किया गया है। इसके अलावा हम उस चोर या आतंकवादी को दूर से ही अलर्ट भी कर सकते हैं, इस प्रकार उस चोर या आतंकवादी को आसानी से पकड़ भी सकते हैं। यदि मैं उदाहरण के लिए लेना चाहता हूँ, ये जो सिस्टम बैंक की 10 बैंकों में लगा हुआ है और ये सिस्टम पुलिस प्रशासन से जुड़ा है। यदि इन 10 बैंकों में से कोई भी बैंक में चोरी होती है तो पुलिस प्रशासन के यहाँ से नई सूचना आएगी और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर चोरों को रंगे हाथ में लगाया जा सकता है। अब मैं इस मॉडल की कार्यवाही को बताकर अपना कार्यक्रम समाप्त करूंगा। उससे पहले मैं इसकी एक और शक्ति बता दूँ कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को ऑल वर्ल्ड में रैकिंग को कहीं भी हो आप ऑल वर्ल्ड के अंदर वहीं से उसे संचार कर सकते हैं। इस मॉडल के सिस्टम में मजे की बात यह है कि सिस्टम को लगाने के बाद कोई खर्चा नहीं है। इसके सिस्टमों को ऑल वर्ल्ड में रहकर कहीं से भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब मैं इसकी कार्य प्रणाली को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसमें दो प्रकार के दरवाजों का प्रयोग किया है, एक तो गरीब आदमी के लिए और एक अमीर आदमी के लिए, जिससे कि इस सिस्टमों का उपयोग गरीब आदमी भी कर सके और इसी सिस्टमों का उपयोग हमने मेरी अमीर आदमी भी किया है जो अमीर आदमी भी कर सकते हैं। अब मैं इसकी कार्यप्रणाली को बता रहा हूँ। इसमें मैंने एक लॉक डॉक्टर का निर्माण किया है जो लॉक पर वजन दबाने पर ही होता है। गलत लॉक पर वजन दबाता है तो लॉक नहीं खुलेगा और लॉक नहीं खुलेगा और साथ ही उसे हानि पहुंचेगी। इसकी कार्यवाही का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे गलत लॉक पर वजन दबाएगा तो ये लॉक नहीं खुलेगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति बटन नंबर
इस बारी करवाता है तो अपने आप भी आप कहीं भी हो आपके पास में कॉल आएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे सिस्टम से कोई शरारत कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति इस बारी वर्ण करवाता है तो भोते बारे में कारण बजेगा जिससे आस पास लोगों को पता चल जाएगा कि घर बैंक फैक्ट्री आदि में चोरी हो रही है। अगर कोई व्यक्ति इस बारी वर्ण करवाता है तो करंट प्रेस करता है तो उसे एक करंट का झटका लगेगा और वहीं पर मतलब उसे हानि पहुंचेगी। अब मैं इसमें जैसे कि गलत लोकल वर्ण ज्यादा है गलत भी हो सकता है। इस बारी वर्ण में आएगा तो गलत जो कि अपने आप ही कॉल पहुँचेगा जो जो कि मैंने सर उप जिला कलेक्टर महोदय है उनके पास में अपना मोबाइल नंबर रखा है अपने आप ही ये कॉल लगाएगा और उन्हें सूचना आते ही वो यहाँ पर अलर्ट करेंगे। कृपया सर उसे अलर्ट करके दिखाएं। हेलो आप उसे अलर्ट करके दिखाओ उस कॉल को आप कुछ ही लो। हेलो सर मैं किस तरह काम करो हेलो इसके साथ ही जैसे कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें लोगों से कोई मतलब ही नहीं होता है वो तो सीधे जोर को काट देते हैं या गैस चूल्हे से काट देते हैं या उसे तोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे आतंकी व्यक्ति होते हैं जो इस लोगों को काट देते हैं और आंदोलन पेश करके चोरी करने जाते हैं लेकिन उनसे बचने के लिए मैंने एक इंतजाम किया है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि वो लड़क है मतलब डोर है और जैसे ही कोई व्यक्ति आता है वो चोर आता है उसने ये गेट काट कर रख दिया अलग कर दिया जैसे ही वो अलग प्रेस करेगा साथ ही मतलब कौन जाएगा अज्ञान की तरह और साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी जिससे मतलब उस चोर को पता जा सकता है उसकी पहचान की जा सकती है साथ में सारा भी मिलेगा। जैसा कि मैं करके दिखा रहा हूँ जैसे ही चोर आएगा जैसे ही गेट पर कदम लगेगा अपने आप भी आपके अंदर चोर आएगा ये मैं बता रहा हूँ। हेलो सर थोड़ी नीचे गाड़ी इसलिए मैं ज़्यादा करके दिखाता हूँ ठीक है सर जैसे मैं बता रहा हूँ। यदि कॉल आ गया और उसे सर उसे अलर्ट करना चाहें तो उसे अलर्ट भी कर सकते हैं और उसे सर को बंद करना चाहें तो बंद भी कर सकते हैं। ये सर ज़्यादा मुझे अलर्ट करके दिखाएं। हेलो हेलो सर हम इस सिस्टम के द्वारा भी फाइव लेवल का भी काम कर सकते हैं जो कि बिना डरने के मतलब बिना तार के तार का भी काम करता है ये केवल छोटे एरिया के लिए बल्कि बड़े एरिया के लिए काम करता है ठीक है। जैसे कि हमें पुलिस उप जिला कलेक्टर महोदय जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वो किसी गाड़ी कॉल पर कॉल करके उस दरवाजे को बंद करके उस चोर को बंद करने की कृपा करें तो सर दूसरे बंद करने की चोर को बंद करने की कृपा करें। जैसे ही चोर अंदर से प्रिया चोर अंदर है और उस चोर को बंद करना है हम और वाइड के अंदर कहीं भी हो हम उसको वहीं से बंद कर सकते हैं जैसे कि सर उसे बंद करके दिखाएंगे थोड़ी देर में देखेंगे आप। उसके बना होने के कारण मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उससे कुछ हानि भी होती है इसलिए
उधर गमला सर से जाना तो उसके द्वारा मैं एक सूचना देना चाहता हूँ आप लोगों को, जैसे कि आपका कोई मोबाइल या सिम वगैरह खुला दिए तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस उदाहरण दे दें आपको, जैसे कि ऐसे ऐसे फोन बंद हो सकता है और उसके अंदर कहीं भी रहते हुए तो बर्दाश्त भी हो सकता है, इसलिए आप जैसे कि आपकी सिम वगैरह या मोबाइल वगैरह खुला दिए तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस उदाहरण दे दें ताकि आप उस केसेस में नहीं पहुँचे।